भारतीय किसान यूनियन द्वारा डीजल, पेट्रोल और एलपीजी के दाम बढ़ने के विरोध में सीएम सिटी करनाल के हॉस्पिटल चौक पर धरना प्रारंभ कर दिया है। इस दौरान किसानों ने जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों ने कहा कि पहले ये धरना असंद रोड पर किया जा रहा था, परंतु सरकार के कानों में जू नहीं रेंगी, इसलिए सरकार के कानों तक आवाज पहुंचाने के लिए आज सीएम सिटी के हॉस्पिटल चौक पर धरना प्रारंभ कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि किसान मरने के कगार पे हैं। कृषि के क्षेत्र में तीन काले कानून लाकर सरकार पूंजीपतियों को जमीन देने का काम कर रही है। इसके अलावा प्रतिदिन बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दाम से खेती करना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि आज हमारे 5 किसानों ने भूख हड़ताल में भी भाग लिया है। किसानों ने कहा कि भाजपा सरकार और कांग्रेस सरकार ने किसानों के लिए कोई काम नहीं किया है। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती, वह अपना रोष प्रदर्शन जारी रखेंगे। यहां हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा कृषि के क्षेत्र में लाए गए 3 नए कानूनों के विरोध में किसान पिछले 3 महीने से दिल्ली में धरने पर बैठे हैं। बता दें चले कि किसान घरौंडा टोल प्लाजा व असंद रोड पर स्थित टोल प्लाजा पर काफी दिनों से धरना दे रहे हैं, परंतु आज वह सीएम सिटी के हॉस्पिटल चौक पर आकर बैठ गए हैं। मैं ब्लॉक प्रधान जोगिंदर सिंह झिंडा असंद आज जरा प्रोग्राम बनाया इतने अपन तकलीफा दसन वास्ते जो दुख है साडे भरा भैन बेटिया ने बार्डर से 3 अध्यादेश लैके अज कुमारी शैलजा जी भी इतों आ रहे हैं। उन्होंने भी असं कह आए हाँ किसान जोड़े भुख हड़ताल से बैठे ने एकिया दिनों तो किसान जोड़े ने एक सरकार की माड़ी नीतियां करके अब सड़कों पर आ गए हैं। असं कांग्रेस में चिताना चाहते हाँ कांग्रेस साढ़े भरा ने जोड़े को MLA बनया है होर किसी पार्टी का भी होसान का सहयोग करना चाहिए है। अज शैलजा जी साढ़े हरियाणा के प्रधान बनाए ने कांग्रेस सरकार ने इन्हों भी चाहिए है जोड़े भी MLA कांग्रेस के बने ने ज प्रधान बने ने उन्होंने पूर जोर ला देना चाहिए किसान वास्ते। जेड़ा टोल प्लाजा छोड़ गया जो हॉस्पिटल चौक पे क्यों बैठे हैं करनाल के, ये इसी वास्ते बैठे हम यहाँ चिताने आए हैं शैलजा जी को। ये दुखी जो किसान वहाँ बैठे हैं धरने पे भूख हड़ताल पे आज यहाँ भी आके बैठे हैं। आज यहाँ से आएंगे ये देखते हैं किसानों को क्या आश्वासन देता है जो आ रहे विपक्ष है तो उस वास्ते बैठे हैं यहाँ से। जो महंगाई बढ़ती जा रही, किसान किसानी मजदूर व्यापारी कर्मचारी सब मरने के कगार पा रहे हैं, उसके उसमें हमने यहाँ पर ये जो असंध में 21 दिन से धरना चल रहे हैं भूख हड़ताल पे, ये 5 किसान भूख हड़ताल पे हर रोज 21 दिन से बैठते हैं। किसान मजदूर सारों के लिए आज देश में हाहाकार मची है। कहाँ पर तो इनकी नीतियाँ गई है सरकार की, कहाँ पर ये पूंजीपतियों के हाथ में चले गए हैं। जो हर रोज किसान और मजदूरों के कैसी बनते थे आज वो दिखाई नहीं दे रहे हैं कहीं पर भी। और फिर कहते हैं ये तो कांग्रेस के किसान तो कांग्रेस के बिठाए हैं। अरे कांग्रेस के क्यों हैं? तुम अच्छे काम करो, हम क्यों बैठेंगे? आज यहाँ आने का क्या मतलब है? आज ये भूख हड़ताल पर बैठे हैं, इसलिए हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि भाई सरकार या तो समझ जाए, वरना मुख्यमंत्री के यहाँ पर मुख्यमंत्री के सिटी में यहाँ पर देखो, यहाँ पर भाई हाहाकार मची हुई है। वो कहते हैं नहीं नहीं कुछ किसान है, कुछ क्यों है? यहाँ पर तो किसान किसान नहीं मजदूर व्यापारी यहाँ पर पूरे बाजारों में जाकर देख लो, वो मरने के कगार पे, दुकान छूटने के कगार पे आज बिल्कुल बिल्कुल आदमी एक एक दाने के लिए मोहताज की तरफ जाता हुआ ग्रस्त होते हुए परिवार बिल्कुल खत्म की तरफ जा रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक।